थोड़ा सा डेट हम लोग का गलत हो गया कल रिजल्ट आने के कारण जो है, तो कई बच्चे टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे पॉलिटिक गवर्नेंस के बारे में जो है, ठीक है। तो मीडियम का आपका तो इंग्लिश है, आप लोग का हिंदी, आई विल गो फॉर बाइलिंगुअल एक्चुअली, ठीक है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज, सिलेबस कॉपी आपके पास है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज नेवर फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस का जो क्रम है उसका अनुसरण आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि टॉपिक को किस सीक्वेंस में अरेंज करके पढ़ना है आपका। चलिए सबसे पहले नोट कीजिए, स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 5 विच डील्स विथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद एवं राज्य विधानमंडल जो है। टॉपिक 5 को करने के बाद देन कम टू टॉपिक नंबर 6, ठीक है। 6 के बाद देन कम टू टॉपिक नंबर 2, हाँ टॉपिक नंबर 2 जो है, हाँ। अब इसका रीजन देखिए क्या है, जो टॉपिक नंबर 5 है इट डील्स विथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड दिस टू आर कंसर्न अबाउट द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो संघ सरकार का संसद हो गया, राज्य सरकार का राज्य विधान मंडल हो गया। जो टॉपिक नंबर 6 आपका डील करता है एक्सपोर्टिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिक और न्यायपालिका। तो दो टॉपिक करने का मतलब है कि गवर्नमेंट के आपने तीनों ऑर्गन्स को कर लिया, पार्लियामेंट को भी, एक्सपोर्टिव को भी और जुडिशियरी को। तब उसके बाद है यूनियन स्टेट करने के बाद अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज यूनियन स्टेट दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, जो टॉपिक नंबर आपका होगा 2 आपका जो है। तो पहला टॉपिक 5 हुआ फॉलोड बाय 6 देन कम टू टॉपिक नंबर 2 आपका जो। उसको करने के बाद तब नोट कर लीजिए टॉपिक नंबर 3। अब जरा पॉइंट समझिएगा, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथककरण। जब कहते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर तो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे या गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स को लेकर चलेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथककरण, यूनियन स्टेट के बीच का होगा या गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स? यूनियन स्टेट के बीच को कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, और जब गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन को तब कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इसीलिए जो टॉपिक नंबर 2 है इट डील्स विद द डिवीजन ऑफ द पावर एंड टॉपिक नंबर 3 इज कंसर्न विद द सेपरेशन ऑफ द पावर जो है। तो टॉपिक नंबर 2 के बाद टॉपिक नंबर 3 को रेफर कीजिएगा। क्लियर? अनदर एस्पेक्ट इज, उसके बाद कर लीजिए टॉपिक नंबर 7, सैलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए। और ये जो सैलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए बेसिकली डील किसको करता है? इंडिया के पूरे इलेक्शन सिस्टम को आपका जो, तो भारत के पूरे निर्वाचन प्रणाली को जो है। उसको करने के बाद तब नोट कर लीजिए टॉपिक नंबर 1, क्लियर? नाउ इफ यू रेफर टू टॉपिक नंबर 1 तो जरा इसके सब टॉपिक को देखिए। एक कहता हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, उसके बाद कहता इवोल्यूशन, देन इट मेंशंस अबाउट फीचर्स, तब डील करता अमेंडमेंट को, देन इट इज कंसर्न अबाउट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर आपका। कई बार देखिएगा कि सिलेबस के सब टॉपिक जो दिए गए हैं वो सब टॉपिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर आप नहीं चल सकते। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन है वो कब से स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद या जब से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और कौन सा ईयर हम लोग बेस मान के चलते हैं, जब से भारत के संविधान के विकास की शुरुआत हुई, और पीछे जाइए रिकॉल कीजिए 15, देखिए 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल है, यहां से आ जाइए 1765 तक। तो 1765 क्या था बेसिकली? दीवानी राइट। ये इसको इस तरह से हम करके चले, मान लीजिए कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ,
क्लियर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट ऑफ बिहार बंगाल एंड ओडिशा का जो, और ये सिस्टम चला 1772 तक। क्लियर। 1772 के बाद 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की बात कही, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आपका। तो नट सेल में ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ 1773 से लेके आपका जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है। तब जैसा कि रिकॉल कीजिए कि 1773 का एक्ट हुआ, उसके बाद फिर 1781 अमेंडिंग एक्ट था, फिर 1784 क्या बना पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आते हैं 1793 पे जिसको कहते हैं चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 पे आते हैं, फिर 1833 पे आएंगे, फिर 1853 पे आते हैं, उसके बाद 1858 आपका जो है, 1858 के बाद फिर इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट होता है 1861 1892, उसके बाद 1909, फिर 1919, फिर 1935 आपका, और तब उसके बाद आप आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है 1946, और 1946 से वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका। जो सिलेबस को समझिए, सिलेबस कहता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, व्हाट डज इट मीन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन को टेकअप करना है तो इवोल्यूशन का मतलब यह नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बाद को लेकर चलना है, कब से लेकर चलना है 1773 से। कहने का मतलब ये टॉपिक क्लियर तब होगा जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को साथ में लेके चलिए। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को पढ़िए और साइड बाय साइड देखिए कि संविधान का इवोल्यूशन किस प्रकार से किया गया आपका। क्लियर। इसीलिए सिलेबस देखिए कहता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, क्या मतलब हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बेस मान के तब देखिए कि संविधान का इवोल्यूशन या विकास कैसे हुआ। क्लियर। अगला पॉइंट बताइए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन को लेके चलेंगे तो दिस इवोल्यूशन विल एंड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1950 और दिस विल कम अप टू 2018। जब भारत के संविधान के विकास को लेकर चलेंगे तो संविधान का जो विकास है वो खत्म होगा 26 जनवरी 1950 को, या वो खत्म होगा अगर आज की बात करें तो 15 जुलाई 2018 को, 18 तक। इसीलिए सिलेबस देखिए क्या किया, इसने इवोल्यूशन की बात की और तब जोड़ दिया अमेंडमेंट्स संशोधन। क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन है वो आज तक लेके चलना है टिल डेट, और टिल डेट का मतलब क्या हुआ, जब कमेंसमेंट के साथ हम लोग किसको ऐड कर देंगे, अमेंडमेंट को जोड़ देंगे, अमेंडमेंट या संशोधन को। और अभी तक संविधान का कितना अमेंडमेंट हो चुका है 101, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अब तक संविधान को कितनी बार अमेंड करने का एफर्ट या प्रयास किया गया, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक है विधेयक, दूसरा अधिनियम है आपका जो है। तो अभी कितना बिल हम लोग के पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 123, और बिल का मतलब एफर्ट हुआ, प्रयास किया गया, एक्ट का मतलब क्या हुआ, वो प्रयास सफल हो चुका, अटेम्प्ट हैज बीन सक्सेसफुल जो है। क्लियर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन को लेके चलिएगा तो उसको यहां पे एंड नहीं करना है, उसको लेके कब आना है टिल डेट तक आपका। इसलिए अमेंडमेंट इट इटसेल्फ बिकम्स द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है। पॉइंट इज क्लियर। अंदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि सिलेबस मेंशंस अबाउट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जो है, मीडियम क्या योर मीडियम है, मीडियम इंग्लिश, अब आइए
सिलेबस मेंशंस अबाउट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस आपका, जिसको हिंदी में कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान आपका। चलिए अब बताइए जरा सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने आर्टिकल है आज के डेट में, कितने अनुच्छेद है? 420 किसने कहा 420 प्लस है? ये सब कहां से पढ़ते हैं? छोड़िए ना, लक्ष्मीकांत इज नॉट भारत का संविधान ना, देखा नहीं जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर भी है कि प्रोविजन है 395। 395 और यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, इसीलिए कि 395 जो है वो प्रोविजन का दी एंड है। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका, अब जैसे मान लीजिए 243 है, अब 243 ए बी सी डी नहीं, लेकिन जब बेयर एक्ट को पढ़िएगा तो बेयर एक्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो कितनी बात करता है, 395 का जो है, और शेड्यूल कितने हैं, 12 आपके जो है। अब जरा सिलेबस को देखिए और आपको बता दें कि सिलेबस को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया ठीक से तो मान के चलिए 50% काम आपका खत्म हो जाता है। अब देखिए सिलेबस मेंशंस अबाउट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, जरा बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, कैन बी से कि सम प्रोविजंस आर मोर सिग्निफिकेंट और सम प्रोविजंस आर लेस सिग्निफिकेंट। क्या संविधान के दृष्टिकोण से कहना संभव है कि कुछ प्रावधान अधिक महत्वपूर्ण है, कुछ प्रावधान कम महत्वपूर्ण है? नहीं है, बिकॉज ऑल प्रोविजंस कंबाइंड टूगेदर दैट मस्ट बी सीन इन टोटालिटी। आपका जब भारत के संविधान की बात करते हैं तो सारे प्रोविजन को जब मिला देंगे देन वी हैव होलिस्टिक नॉलेज अबाउट द प्रोविजंस आपका। कहने का मतलब जब सिलेबस कहता है सिग्निफिकेंट प्रोविजन, तो सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब क्या है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट को कैसे निकालेंगे। जब सिलेबस के बाकी टॉपिक्स को पढ़िएगा तो विद रेस्पेक्ट टू अदर टॉपिक्स ऑल्सो वी आर सपोज टू मेक रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सिलेबस कहता है पार्लियामेंट पढ़िए, सिलेबस कहता है जुडिशियरी पढ़िए, सिलेबस कहता है इलेक्शंस के बारे में पढ़िए, तो देयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू मेक रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका, उसको क्या मान के चलेंगे, सिग्निफिकेंट आपका। दूसरा चीज है कई सारे प्रोविजन जो है वो न्यूज में रहते हैं, तो दोज प्रोविजंस आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द प्रोविजंस आर मोर इन द न्यूज रिसेंटली आपका, 370 माई डियर 377 जो है, सेक्शन 377 इज अ प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, इट इज नॉट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके। कॉस्ट बताइए संविधान में जो है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपका, अभी सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रिवेसी की बात कर रही है तो आर्टिकल 21 आपका हो गया, उसके इसमें जेएनके को लेके आर्टिकल 370 आपका न्यूज में रहता है, प्लस विमेन्स का जो इंस्टेंट मुस्लिम राइट्स को लेके तो वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 15 आपका, आर्टिकल 14 आपका। तो उसमें क्या कीजिएगा कि व्हेन यू रेफर टू सिग्निफिकेंट प्रोविजन तो रेफर टू द अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, विच ऑफ द प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड टू डील विद अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, दीज आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट आपका। अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज कि दोज प्रोविजंस विच आर मोर इन द न्यूज रिसेंटली, या प्लस दोज प्रोविजंस विच आर अंडर इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियरी, those provisions are considered to be significant. Otherwise, constitutionally, all provisions are equally significant. इसलिए try to understand the essence or the crux of the syllabus. आपका अगला देखिए, syllabus mentions about features. Topic one की बात करें, it also mentions about basic structure. Basic structure itself is one of the most important features of the constitution because all other features they directly or indirectly depend upon the feature of the basic structure आपका। अगला पॉइंट बताइए, जब कहते हैं मूल ढांचा तो मूल ढांचा का जो कंसेप्ट था बेसिकली वो कहां से निकला, पार्लियामेंट वर्सेज जुडिशियरी। जब कहते हैं पार्लियामेंट वर्सेज जुडिशियरी तो कहने का मतलब जब सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़िएगा, विच इज वन ऑफ द टॉपिक इन द सिलेबस दैट मस्ट बी लिंक्ड अप टू द बेसिक स्ट्रक्चर आपका। और क्वेश्चंस को उठा के देखिएगा,
90% क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, आपको बता दें, इट इज नॉट मेंशनड एज वन ऑफ द टॉपिक्स इन द सिलेबस, बट दे आर नॉट आउटसाइड द सिलेबस. 90% क्वेश्चन का जो विषय वस्तु है उसका उल्लेख सिलेबस के किसी टॉपिक के रूप में नहीं किया गया. इसका मतलब ये नहीं वो सिलेबस से बाहर है. इसीलिए जब सिलेबस को आप देखते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू एग्जामिन टॉपिक्स बोथ इन एन एक्सप्लिसिट मैनर एज वेल एज इम्प्लिसिट मैनर, एंड प्लस ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द इंटरलिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स आपका. अब जैसे सिलेबस कहता है टॉपिक नंबर 3 इज कंसर्न विद सेपरेशन ऑफ पावर एंड टॉपिक 1 इज कंसर्न विद बेसिक स्ट्रक्चर, क्या हम दोनों टॉपिक को सेपरेट इंडिपेंडेंट मान के चल सकते हैं जस्ट बिकॉज कि बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन मेंशन इन द केस ऑफ टॉपिक नंबर 1 एंड सेपरेशन ऑफ द पावर हैज बीन मेंशन इन द केस ऑफ टॉपिक नंबर 3 आपका, बट दीज टू टॉपिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट आपका. क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा कंसेप्ट था उसका इमर्जेंस था बेसिकली बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी आप कहते. उसी तरह से मान लीजिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर चलते राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपका, क्या इसको सेपरेशन ऑफ पावर के साथ हम लिंकअप नहीं कर सकते? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बट नेचुरल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी लिंक्ड अप टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. उसी तरह से सिलेबस का रेफर कीजिए टॉपिक नंबर 9 स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज अर्ध न्यायिक निकाय क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ? Is it in accordance with the principle of separation of power or it is violative of the principle of separation of power? कि executive judiciary का काम करे in the terms of the quasi judicial body, is it supportive of the principle of separation of power or opposed to the principle of separation of power? अर्ध न्यायिक निकाय का होना शक्ति के पृथककरण के सिद्धांत का समर्थन करेगा या उल्लंघन करेगा? कार्यपालिका न्यायिक काम करे, क्या मतलब हुआ? एक्सिक्यूटिव अंडरटेकिंग जुडिशियल फंक्शन, इट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आपका. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, क्वेश्चन को लिंकअप कर देगा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से आपका, क्लियर? और ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इज इट एब्सोल्यूट और इट इज लिमिटेड, ये संपूर्ण है, परिपूर्ण है या सीमित है? लिमिटेड है. जब लिमिटेड इसका मतलब देयर इज बाउंड टू म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी, जब इंटरडिपेंडेंसी होगा इसका मतलब पार्लियामेंट भी जुडिशियरी का काम कर सकता है, जुडिशियरी भी कुछ पार्लियामेंट का काम कर सकता है, एक्सिक्यूटिव भी कुछ काम पार्लियामेंट का कर सकता है, एक्सिक्यूटिव भी कुछ काम जुडिशियरी का कर सकता है, क्लियर? तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि मोस्ट ऑफ द केसेस टॉपिक्स ऑल्दो दे आर डिस्कस्ड इंडिपेंडेंटली इन द सिलेबस बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन वी मस्ट बी कंसर्न अबाउट द इंटरलिंकेज बिटवीन वेरियस टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स एंड दीज आर द वेज दैट टॉपिक्स कैन बी इंटरलिंक्ड टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन आपका. एक चोर आपको बता दें कि इन द केस ऑफ जीएस व्हेन यू प्रिपेयर अ टॉपिक देयर आर टू वेज टू प्रिपेयर द टॉपिक, एक होता है एट माइक्रो लेवल और एक होता है एट माइक्रो लेवल. व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू डील विद टॉपिक्स इन द केस ऑफ जीएस, मैक्रो और माइक्रो? माइक्रो, यही तो गलती करते हैं हम लोग. जो नो, माइक्रो इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट, टॉपिक्स मस्ट बी कवर्ड एट माइक्रो लेवल. और यहां बता रहे हैं जैसे यस प्लीज, कौन सा? नहीं, माइक्रो इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग. इवन इफ इट इज टाइम कंज्यूमिंग इट इज मोर इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन. अब जैसे यहां देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन आसान होगा डिफिकल्ट होगा? डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, anyone can write anything about the president of India, the question becomes open ended, this question is at micro level. Absolutely. इसी को हम करते हैं discuss the legislative powers of the president of India, now the question becomes more specific.
क्लियर। इसको और हम कर देते हैं डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज वन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आपका क्वेश्चन बिकम्स मोर स्पेसिफिक। इसमें भी कर दें द क्वेश्चन फोकसेज अपॉन सम ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति ने विशिष्ट अध्यादेश को जारी किया उस पर प्रश्न को फॉर्मुलेट कर दिया जाए। क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया। अगर क्वेश्चन कर दे द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विथ रेस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस, द क्वेश्चन बिकम्स मच मोर स्पेसिफिक। ये लेवल क्या होगा माइक्रो जीएस में। व्हेन वी रेफर टू एनी टॉपिक ऑलवेज ट्राई टू फॉर्मुलेट एट माइक्रो रादर देन मैक्रो। हम लोग क्या करते हैं कि जब मैक्रो पे करते हैं तो वी आर नॉट डीलिंग विद द सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, वी आर डीलिंग विद द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। उसी तरह से मान लीजिए अब क्वेश्चन पूछे जुडिशियरी पे इन जनरल, एनी वन कैन राइट एनीथिंग अबाउट जुडिशियरी, लेकिन क्वेश्चन कर दे जुडिशियल रिव्यू पे, क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया। उस पर क्वेश्चन कर दे ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म, और क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, और उसमें क्वेश्चन कर दे हाउ बेसिक स्ट्रक्चर गिव राइज टू जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन हैज बिकम मोर स्पेसिफिक आपका। अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं माइक्रो पे और क्वेश्चन का बेस क्या होता है माइक्रो आपका। और आपको बता दें कि सिलेबस को जरा देखिएगा, जरा सा रेफर कीजिए टॉपिक नंबर 5, ठीक है। अब इसमें कहता है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, उसके आगे कहता है स्ट्रक्चर संरचना फंक्शनिंग कार्य कंडक्ट ऑफ बिजनेस कार्य संचालन पावर्स एंड प्रिविलेजेस शक्ति और विशेषाधिकार एंड क्या लिख दिया इश्यूज अराइजिंग ऑफ इट। ये कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, इट हैज नॉट बीन लिस्टेड। और यहीं पे क्या होता है इस एस्पेक्ट को हम लोग छोड़ देते हैं और यही क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। इसलिए कभी सिलेबस को नेवर ट्राई टू एग्जामिन इन द टर्म्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। सिलेबस मस्ट बी सीन बोथ एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, जो प्रत्यक्ष रूप से दिया गया और जो निहित है। अब जरा बताइए इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, अब ये इश्यूज क्या होंगे, ये इश्यू यूपीएससी चाह कर भी डिफाइन नहीं कर सकता है, राइट और रॉन्ग, क्योंकि पार्लियामेंट के वर्किंग के कारण क्या क्या इश्यूज इमर्ज हो सकते हैं इट कैनॉट बी एंटिसिपेटेड बाय यूपीएससी। क्या यूपीएससी को पता था कि गवर्नमेंट जीएसटी पास करेगा, जीएसटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस में कहां जीएसटी दिया है। क्या यूपीएससी को पता था कि पार्लियामेंट पास करेगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। क्या यूपीएससी को पता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गो फॉर डिमोनेटाइजेशन। तो कहने का मतलब कि जब कहते हैं कि जीएस का सिलेबस डायनेमिक है, क्यों डायनेमिक है, क्योंकि यूपीएससी हर कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, तो उन्होंने क्या दे दिया इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। और यही पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, मिस करते हैं, और बच्चों को भी लगता है यार सिलेबस में तो कुछ नहीं दिया था, तो टीचर नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है। उसी तरह देखिए नॉट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, आइए टॉपिक नंबर 6 पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल ऑब्लिक इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी एंड फॉर्मल ऑब्लिक इनफॉर्मल एसोसिएशन। व्हाट आर दोज फॉर्मल ऑब्लिक इनफॉर्मल एसोसिएशन, दोज एसोसिएशंस हैव नॉट बीन लिस्टेड इन दिस सिलेबस। क्वेश्चन पूछ देगा खाप पंचायत पे, कहां सिलेबस में दिया खाप पंचायत, लेकिन दिया है इनफॉर्मल एसोसिएशन। क्वेश्चन पूछेगा रोल ऑफ मीडिया पे, कहां मीडिया दिया है, लेकिन इट कम्स अंडर अदर एसोसिएशन। आप करते उसी तरह से देखिए टॉपिक नंबर जरा निकालिए 2 को फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कमीशन टू डिफाइन, इट इज फॉर अस टू डिफाइन, विच आर बेसिकली द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन।
उसी तरह से आगे देखिए क्या, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस। पकड़ पा रहा है? तो ये सब जो वर्ड है खास करके, उसी तरह से मान लीजिए इफ रेफर टू टॉपिक नंबर थ्री, थ्री देखिए, सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, लोक अदालत पूछ दे, कंज्यूमर फोरम पूछ दे, क्लियर। अब कहीं पे दिया है लोक अदालत, कहीं पे दिया कंज्यूमर फोरम, कहीं पे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट, नहीं दिया गया। बट दीज आर द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज सिलेबस इटसेल्फ सेज अदर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस आपका। तो पहला काम कीजिएगा, व्हेन यू गो थ्रू द टॉपिक्स व्हिच आर मेंशन इन द केस ऑफ सिलेबस, तो अंडरलाइन व्हिच ऑफ द टॉपिक्स आर इंप्लिसिट, एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सच इंप्लिसिट एस्पेक्ट। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, तो अंडर इंडियन फेडरल सिस्टम द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हाउ मेनी लेवल्स, टू लेवल्स और थ्री लेवल्स? अंडर इंडियन फेडरल सिस्टम वी हैव हाउ मेनी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंडिया? कौन सा तीन है? वी हैव जस्ट टू लेवल्स, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वी डू हैव लोकल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंडिया, बट लोकल गवर्नमेंट इज येट टू बिकम द अनदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंडिया। लोकल गवर्नमेंट इज कंसिडर टू बी द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार राज्य सरकार का विस्तारीकरण है, ना कि शासन या सरकार का तीसरा स्तर है। अब खुद देखिए कि यूपीएससी भी कितना कंसेप्चुअली क्लियर करता है सिलेबस को, जरा वर्ड देखिए क्या लिखे, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। नहीं, कहां लिखा? यूनियन, स्टेट एंड लोकल। क्लियर पा रहा है? और देखिए और भी क्लियर करता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स। लोकल लेवल पे पावर और फाइनेंस का डिवोल्यूशन किया गया, ट्रांसफर किया गया, बट इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बिकम अनदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए मार्केट को पता हो या ना हो कि गवर्नमेंट के दो स्तर है, लेकिन यूपीएससी को पता है कि गवर्नमेंट के दो स्तर है, एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर आपका। क्लियर पर है? और इससे देखिए ना, कुछ पॉइंट जैसे कुछ सोचिए, कौन क्या कहता है छोड़ दीजिए, कौन क्या लिखता है उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम किसको मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। शेड्यूल 7 अनुसूची 7 सबको सुने होंगे, कितना लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंस। डू वी हैव लोकल लिस्ट? अगर लोकल लिस्ट होता तब तो डिविजन ऑफ द पावर होता। क्लियर? अगला पॉइंट बताइए, जब कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट का जो क्रिएशन है, तो लोकल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंडिया इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लोकल गवर्नमेंट कहां से बनता है? राज्य सरकार के कानून के आधार पर या संविधान के प्रावधान के द्वारा? इट इज एज पर द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है वो डिफाइन करेगा अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। अगर गवर्नमेंट का तीसरा लेवल होता तो उसके पावर को कौन डिफाइन करता? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगला पॉइंट ध्यान रखिए कि जब भी गवर्नमेंट का लेवल बनता है उसका कंडीशन आपको होता है दैट देयर मस्ट बी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी एट दैट लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनियन गवर्नमेंट बिकम्स वन ऑफ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो एट द लेवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वी हैव वन बॉडी दैट इज रेफर्ड टू एज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी एंड दैट बॉडी बिकम्स लोकसभा। क्लियर? स्टेट पे लेजिस्लेटिव असेंबली आप कर रहे हैं। जरा बताइए, डू वी हैव एनी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रिक्ट इन टोटैलिटी? अगर आप पंचायत कहेंगे तो पंचायत डज नॉट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट इन टोटैलिटी, इट रिप्रेजेंट्स रूरल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इफ यू टेक द केस ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इट रिप्रेजेंट्स अर्बन एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका। और एक अक्सर हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, बट लेट मी टेल यू
although district planning committee is elected body, but election of the members of district planning committee is indirect. It is not direct. Agar local government India mein government ka tisra level hota, to we could have a similar body like Lok Sabha, Legislative Assembly at the level of the district government. Aapko bata de, conceptually clear rahi ye, fundamental jitna strong hoga, you can do more justice with the syllabus aapka. Clear? So under Indian federal system, we just have two levels of the government, union government and the state government. We do have the local government, but local government can be considered to be the extension of the state government. It is yet to constitute to become another level of the government. So, Bharat mein sthani sarkar to hai, lekin sthani sarkar ab tak shasan ka tisra astar nahi hai. स्थानीय सरकार को कह सकते हैं वो राज्य सरकार का विस्तारीकरण है और जो भी लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दिया गया दो पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द स्टेट टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी. हाँ बिल्कुल, थर्ड बॉडी देखिए, इनफैक्ट अगर पढ़िएगा तो लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है विजुलाइज किया गया, इट शुड बिकम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. प्रोविजन कहता है बट द एफर्ट्स और द प्रोविजंस व्हिच हैव बीन डिजाइन, these are not enough for the local government to develop as the institutions of the self government. Is one clear? Agla cheez hai ye, jara refer kijiye topic number 4 ko jara se. Kya kehta hai? Comparison of Indian constitutional scheme with that of the other countries. Jara syllabus cases ko samajhiye. With that of the other countries, how many countries we have in the world? Roughly कम से कम 200, like 193 यूएन के मेंबर हैं, and some of the countries are not the members of UN after, तो roughly मान के चलते हैं 200 after. अब जरा बताइए, if we start comparing Indian constitutional scheme with these nearly 200 countries, तो I think even one life is not sufficient, right or wrong? अगर 200 countries से भारत के संविधान की तुलना करें तो एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है, एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन विद इन अ ईयर और सो आपका. देन व्हाट लेकिन ध्यान रखें, रिटर्न को भी अगर रिटर्न को भी लेके चलिएगा तो रिटर्न भी कम से कम रफली कितना 200 से दो माइनस कर दीजिए उसके. इसलिए इसमें क्या करना है, बेसिकली अप्रोच हम लोग का होगा, कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन जब बोरो किया गया तो इट वॉज नॉट बोरो इन द टर्म्स ऑफ कि दोज फीचर्स वे इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम मैनर, दोज फीचर्स वे इनकॉर्पोरेटेड इन सिमिलर मैनर. इसलिए बेस्ट तरीका क्या है कि जब पढ़ते हैं कहां कहां से फीचर्स को बोरो किया गया तो उन कंट्री के सिस्टम को इंडिया से कंपेयर कर दी. जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बोरोड फ्रॉम यूके, तो यूके का पार्लियामेंट को कंपेयर कर लीजिए इंडियन पार्लियामेंट से. उसी तरह से मान लीजिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहां से बोरो किए, यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से. तो व्हाट इज द बेस्ट वे व्हेन यू रेफर टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो साइड बाय साइड कंपेयर विद द इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट आपका. तो दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टॉपिक. व्हेन यू रेफर टू द अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, तो साइड बाय साइड यू कैन कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न कंट्री आपका. अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं इंडिया का फेडरल सिस्टम, कहां से बोरो किए, कनाडा से, तो वहां से कंपेयर किए. और कई बार ऐसा होता है कि ऑल दो वी हैव बोरोड फ्रॉम सम कंट्री बट आइडियल मॉडल इज डिफरेंट. जैसे फेडरल सिस्टम का आइडियल किसको मानते हैं, यूएसए को मानते हैं, तो कनाडा से भी कंपेयर कर लिए और यूएसए से भी कंपेयर कर लिए. तो इस तरह से इस टॉपिक को डील करना है. अगर इंडिपेंडेंटली कीजिएगा तो दिस टॉपिक कैनॉट बी मैनेज, एंड प्लस दैट इज नॉट द वे टू डील विद दिस टॉपिक ऑल्सो. उसी तरह से जरा सा आइए उसमें देखिए बोरो की, और जब बोरो की हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे जब कहते हैं टू कंपेयर, तो व्हाट इज द मीनिंग टू कंपेयर. टू कंपेयर का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, बट इट इज नॉट एनफ फॉर मेंस. टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, द सेकेंड आस्पेक्ट इज टू आइडेंटिफाई रीजंस फॉर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी. तो दोनों चीज को देखिए कि भारत की तुलना जब अन्य देशों के साथ करेंगे तो उस देश के साथ भारत की क्या क्या विशेषता में समानता है, क्या क्या असमानता है, और दूसरा समानता और समानता के पीछे कारण क्या है. सिर्फ
सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को बेस मान के चलेंगे तो वी आर जस्ट गेटिंग सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी. अब जैसे मान लीजिए इंडियन पार्लियामेंट को कंपेयर किए ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, क्लियर. अब यहां पर कैन वी से कि इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट? नो. तो ये हुआ कंपेयर. अब समझना है why Indian Parliament is not supreme like British Parliament, कि भारत का संसद ब्रिटिश संसद के समान शक्तिशाली नहीं है. इतना तुलना से काम नहीं चलेगा. यह भी समझना है कि क्यों भारत का संसद ब्रिटिश संसद के समकक्ष शक्तियों को प्राप्त नहीं करता. बता सकते हैं what can be the basic reason for this, कि why Indian Parliament is not supreme like British Parliament. इसका बेसिक रीजन होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्क्स ऑन कस्टम्स नॉर्म्स एंड कन्वेंशन. तो वो जो कहता है दैट बिकम्स फुल एंड फाइनल. इंडियन पार्लियामेंट फंक्शंस अंडर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन पार्लियामेंट हैज गॉट सम काइंड ऑफ लिमिटेशन, बट सच लिमिटेशन कैन नॉट बी सीन विथ रेस्पेक्ट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. आप इस पॉइंट क्लियर. तो इन द केस ऑफ व्हेन वी आर सपोज टू कंपेयर गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. आप उसके बाद आइए टॉपिक नंबर 7 आपका है. इट इज कंसर्न अबाउट सेलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए. रिमेंबर इन इंडिया वी हैव टू एक्ट ऑफ आरपीए, वन इज 1950 एंड अदर इज 1951. When you refer to this topic, so indirectly you can say we are supposed to discuss about the whole electoral system in the case of India. और इसमें खास करके ध्यान रखिएगा कि once we have to understand elections in the case of India, तो we have elections to president, vice president, elections to parliament, elections to state, legislature, elections to panchayat, elections to municipality. Once we take up the case of RPA, जो सिलेबस में दिया गया, तो RPA basically concerned about elections to parliament and state legislature. तो president, vice president का separate act है, that is president and vice president elections act of 1952. तो इसका अलग act होगा, क्या? पंचायत municipality, these are governed in accordance with the law passed by the state legislature आपका. तो under syllabus when it mentions about salient features of representation of people's act 1950 and 1951, तो primarily we are concerned about the elections of parliament and state legislature. और जहां parliament कहते हैं we are taking both Lok Sabha Rajya Sabha. In the case of state legislature we are taking both legislative assembly and legislative council. और उसमें खास करके ध्यान रखिएगा when referred to RPA always give more importance to various electoral reformative issues. अक्सर जो क्वेश्चन होता है it is based on electoral reform. Now can you cite some reform measures which are more in the news recently? जो निर्वाचन सुधार अधिक आजकल चर्चा में है, एक तो मोदी जी अक्सर कहते हैं वो तो ऑलरेडी हम लोग के पास है रिफॉर्म, जो ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट करने की बात करें. एक आप सुनते होंगे साम इलेक्शंस टू लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ रिकॉल, ठीक है. व्हाट आर दीज? दीज आर वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्मेटिव मेजर्स. ये रिफॉर्मेटिव मेजर है तो अ पर्सन कैन ओनली कंटेस्ट फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो दीज आर अंडर डिस्कशन एंड डिबेट्स आप कर जो. उसके बाद आइए अपॉइंटमेंट टॉपिक नंबर 8, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपका. अब ये सब टॉपिक लास्ट में इसलिए कीजिएगा कि सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दीज आर ऑलरेडी मेंशन अंडर सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस एंड देयरफॉर रेस्ट ऑफ द बॉडीज विच आर नॉट डायरेक्टली मेंशन दोज टॉपिक्स शैल बी कवर्ड हियर. अब जैसे सिलेबस एट नो प्लेस मेंशंस अबाउट फाइनेंस कमीशन, it becomes a constitutional body. Syllabus does not mention about public service commission, it becomes a constitutional body aapka. Syllabus does not mention about CAG, it is a constitutional office aapka. So all such offices bodies should be looked at this point aapka. Uske baad topic number 9 ka tha statutory. What is the meaning of the word statutory? Constitutional bodies are different from statutory bodies. Statutory bodies are those bodies which are created under a specific act of parliament.
Can you mention some examples of it? A statutory body, NGT accepted, or the thing? CBC, Lokpal, plus we also have National Commission for Women of Graduate. So these are statutory bodies. And what are the regulatory bodies? Which are meant to regulate the economic activities in the public interest. SEBI, IRDA, TRAI, PFRDA, they are considered to be a regulatory body. RBI, that also becomes a regulatory body. And what are the quasi-judicial body? And what is the meaning of the word quasi? Ardh. Ardh ka matlab kya hota hai? Are na. Ye sab mat kijiyega. Quasi is not semi. Quasi means similar. Milta julta. खास करके हिंदी में जो ट्रांसलेट आप लोग करते हैं अर्ध अर्ध क्या होगा आधा थोड़ी कुछ होता है उस केस में जो सिमिलर जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज बॉडीज विच आर नॉट जुडिशियल बट दे आर सिमिलर टू जुडिशियल बॉडी इसलिए कई बार वर्ड मिलता है क्वासी लेजिस्लेटिव व्हाट डज इट मीन दे आर नॉट लेजिस्लेटिव बट द फंक्शंस इज फंक्शंस आर सिमिलर टू द लेजिस्लेचर आप कह सकते दो वर्ड आपको मिलेगा क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल जो उसके बाद आइए तब कैसे नाम सुने एनजीटी जहां भी वर्ड मिलता है इंडिया में ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपका जो है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल या थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा नोट कर लीजिए आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B और ये जो दो प्रोविजन है दीज आर कंसर्न अबाउट क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो है और इसमें कहता है 323A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड 323 डील विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स जो तो स्टैट्यूटरी बॉडीज दे बिकम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बट रिमेंबर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इट डज नॉट मीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं एक्स्ट्रा का मतलब क्या है दोज बॉडीज विच आर आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कहीं प्रोविजन नहीं है बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बट नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी ऑल्सो स्टैट्यूटरी माइनॉरिटी भी स्टैट्यूटरी आपका है लेकिन अभी अंडर 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जैसे ओबीसी का कमीशन क्या था स्टैट्यूटरी अब गवर्नमेंट क्या कर रही है टू मेक इट कॉन्स्टिट्यूशनल आपके लिए तो रिसेंट जो आपका था 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी मेड टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपका जिसका बिल लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेजा राज्यसभा ने पास करके अमेंड करके इसको भेजा लोकसभा के पास तो नाउ इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ लोकसभा नहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मत कहिए हमेशा कहिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ये कौन से बॉडी होते हैं बॉडीज विच आर क्रिएटेड बाय कैबिनेट डिसीजन नीति आयोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल दीज आर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट डिसीजन दीज आर नॉट एज पर द स्पेसिफिक लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इसे नट सेल में ध्यान रखिएगा कि एनी बॉडी इन द केस ऑफ इंडिया कैन बी क्रिएटेड थ्रू थ्री मेथड्स आपका एक होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये दो सिस्टम होगा या तो इट इज वन ऑफ द प्रोविजन अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और इट हैज बिकम द पार्ट थ्रू अमेंडमेंट आपका जो तो एक बॉडी क्या बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इफ एनी बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल इट मस्ट हैव कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 नहीं यूपीएससी आर्टिकल 315 इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 आप कर क्लियर दूसरा ध्यान रखिए बॉडीज कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इधर थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड दोज बॉडीज आर रेफर्ड टू एज स्टैट्यूटरी बॉडीज इसी को हम लोग कहते हैं लीगल बॉडीज और तीसरा तरीका है कि बॉडीज कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू कैबिनेट डिसीजन इसी को कहते हैं थ्रू एग्जीक्यूटिव डिसीजन एंड दोज आर रेफर टू एज नॉन स्टैट्यूटरी एज वेल एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप कर
Niti Aayog, National Development Council, National Integration Council, these are the bodies created through cabinet decision. Want it clear? इसलिए सिलेबस में देखिए दोनों का आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज टॉपिक नंबर 8 9 मेंशंस अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडीज तो 8 इज कंसर्न्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक 9 इज कंसर्न्ड विद द स्टैट्यूटरी बॉडीज उसके बाद आइए जो टॉपिक नंबर 10 आपका है इसमें थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लीजिए टॉपिक नंबर 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 14 आई रिपीट अगेन टॉपिक नंबर 10 प्लस टॉपिक नंबर 11 प्लस टॉपिक नंबर 13 एंड प्लस टॉपिक नंबर 14 इसको एक ग्रुप बना लीजिए कौन से थे एनसीईआरटी फिर से थे एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी में कोई लॉ नहीं है मेरी समझ से क्रिएटेड थ्रू कैबिनेट डिसीजन होगा ऑटोनोमस का मतलब कुछ और होता है ऑटोनोमस का मतलब होता है दे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बट दे आर गिवन मोर ऑटोनोमी आपका बट दे हैव टू कम अंडर सम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एनसीईआरटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसलिए ऑटोनोमी हमेशा लेके चलिए डिग्री के टर्म्स में एंड ऑटोनोमी डज नॉट मीन फ्रीडम स्वायत्ता का मतलब ये नहीं होता स्वतंत्रता आपका इसलिए ऑटोनोमी होगा तो उसको फंक्शनिंग में अधिक डिस्क्रिशन दिया गया स्वनिर्णय दिया गया लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसका होगा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अब यहां पे ध्यान रखिएगा टॉपिक नंबर 10 11 13 एंड 14 दीज टॉपिक्स आर बेसिकली कंसर्न विद डेवलपमेंट आपका इसलिए इसका एक वर्ड में चाहे तो आप कर सकते हैं कि ऑल दिस फोर टॉपिक्स कंबाइंड टुगेदर इज आर कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट आपका जो अब जरा सा इस टॉपिक के जरा सा एंट्री केसेस को देख लीजिए इफ यू रेफर टू टॉपिक नंबर आपका है 10 प्लस 11 उसके बाद है प्लस 13 प्लस 14 आपका तो दीज फोर टॉपिक्स ऑफ जीएस पेपर टू दे आर कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट आपका अब यहां देखिए डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक कंसेप्ट एंड देयरफॉर वंस वी से डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट हैज टू बेसिक डायमेंशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट नाउ इफ यू रेफर टू द नेचर ऑफ द सिलेबस इन द केस ऑफ जीएस पेपर टू तो रिमेंबर जीएस पेपर टू इज मोर फोकस्ड ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड व्हाई आर वी सेइंग दिस बिकॉज अंडर जीएस पेपर थ्री देयर इज ऑलरेडी मेंशनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं तो पेपर टू और चौथा ध्यान रखिएगा इनफैक्ट जीएस हैज फोर पेपर्स बट इवन फोर पेपर्स कैनॉट बी कंप्लीटली सेग्रीगेटेड अब जैसे जीएसटी कहां पढ़ते हैं हम लोग किस पेपर में इकोनॉमिक्स में पेपर थ्री में और पेपर टू में पूछ दिया है लास्ट ईयर जीएसटी के बारे में बिकॉज जीएसटी का मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्ट हो गया तो पॉलिटी का पार्ट हो गया जीएसटी टैक्सेशन को डील करता है इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया और कल को पूछ दे कि जीएसटी का इंप्लीकेशन पूरे सोसाइटी पे क्या पड़ता है तो पेपर वन पे चला जाएगा इसीलिए जब टॉपिक को करते हैं तो डो नॉट ट्राई टू जस्ट लिमिट योर अटेंशन कि दिस टॉपिक बिलोंग्स टू सम स्पेसिफिक टॉपिक एक्चुअली टॉपिक को हमेशा मान के चलिए इट इज नॉट कंसर्न विद सम स्पेसिफिक पेपर टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि टॉपिक हैज मेंशन विद रिस्पेक्ट टू विच पेपर आप ध्यान तो अंडर डेवलपमेंट गिव इंपॉर्टेंस टू सोशल बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स अंडर जीएस पेपर थ्री आपका प्लस वंस वी रेफर टू डेवलपमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट गोज टू द स्टेट और द गवर्नमेंट आपका बट रिमेंबर इवन एनजीओज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसएचजी दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड दोज आर कंसिडर्ड टू बी नॉन स्टेट एक्टर जो है तो डेवलपमेंट में इस एक्टर कौन होगा स्टेट और दूसरा एक्टर कौन होगा नॉन स्टेट इस
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एसएचजी, डेविल कमांडर, नॉन स्टेट, स्टेट में कौन हो गया, गवर्नमेंट आपका जी। आप जरा सिलेबस को देखिए, बस छोटा सा क्लू ध्यान रखिए। टॉपिक नंबर 10 देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट किसको लेके चला, स्टेट को, एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर। तो सेक्टर कैन बी इधर इकोनॉमिक और सोशल, बट इकोनॉमिक सेक्टर हैज बीन मेंशन इन द केस ऑफ जीएस पेपर 3। तो हियर दिस सेक्टर प्राइमरली रेफर्स टू सोशल सेक्टर। पॉइंट इज क्लियर, इसको लेके चला विथ रेस्पेक्ट टू सोशल। अब जरा सा आइए टॉपिक नंबर 11 देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप्स, ऑल दैट। स्टेट को लेके चला कि नॉन स्टेट को, नॉन स्टेट को। पॉइंट इज क्लियर, तो एक टॉपिक स्टेट का बन गया टॉपिक नंबर 10 एंड दिस इज टॉपिक नंबर 11 जो है। अब आइए टॉपिक नंबर 13, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस सेक्टर, सोशल सेक्टर। क्लियर, पब्लिक सर्विसेज, एंड वंस वी आर कंसर्न अबाउट सोशल सेक्टर, तो दिस प्राइमरली डील्स विथ हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। क्लियर, और तब कहता है इश्यूज विथ रेस्पेक्ट टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो टॉपिक 13 और 14 ये दोनों किसको लेके चल रहा है, सोशल। सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक है, ध्यान रखिएगा, ओनली वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड जो है। अब आइए उसके बाद कर लीजिए टॉपिक नंबर 13, सॉरी टॉपिक नंबर 12, और 12 किसकी बात कर रहा है, वेलफेयर का। अब जरा सा देखिए टॉपिक नंबर 12 मेंशंस अबाउट द वर्ड वेलफेयर, क्लियर, एंड प्लस टॉपिक नंबर 13 सब मेंशन करता है सोशल सेक्टर ऑब्लिक सर्विसेज, एंड देयरफॉर सिलेबस मेंशंस अबाउट बोथ सोशल सर्विस एंड सोशल वेलफेयर। अब बताइए सोशल वेलफेयर इज द पार्ट ऑफ सोशल सर्विस और सोशल सर्विस बिकम्स द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि यहां पे दो टॉपिक का ओरिएंटेशन है, एक है सोशल सर्विस, एक है सोशल वेलफेयर आपका जो है। तो माय क्वेश्चन इज कि सोशल वेलफेयर बिकम्स द पार्ट ऑफ सोशल सर्विस और सोशल सर्विस बिकम्स द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज सेवा समाज कल्याण का भाग है या समाज कल्याण समाज सेवा का भाग है, अधिक ब्रॉड किसको मानेंगे, विच सोशल सर्विस इज मोर वाइड, सोशल वेलफेयर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल सर्विस, बिकॉज सोशल सर्विस इज मेंट फॉर ऑल, बट सोशल वेलफेयर इज ओनली मेंट फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। जरा सिलेबस देखिए क्लियर होगा, टॉपिक नंबर 12 वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस, वनरेबल का मतलब संवेदनशील, सारे वर्गों की बात नहीं कर रहा है, वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड देयरफॉर टॉपिक नंबर 12 प्राइमरली फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर आपका। तो सिलेबस डील्स विद बोथ सोशल सर्विस एज वेल एज सोशल वेलफेयर आपका। फिर आइए टॉपिक नंबर 15, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। ध्यान रखिएगा, इफ सिलेबस वुड हैव बीन ओनली कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट तो सिलेबस वुड हैव बीन मच मोर सिंप्लीफाइड, बट सिलेबस मेंशंस अबाउट गवर्नेंस, और गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट प्लस नेटवर्किंग, नेटवर्किंग विथ रेस्पेक्ट टू होम, विथ रेस्पेक्ट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान रखिएगा, अगर सिलेबस सिर्फ गवर्नमेंट की बात करता तो सिलेबस कुड नॉट हैव बीन मेंशन अबाउट प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ, एसएचजी, ये सब किसका पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है। अगला पॉइंट बताइए, अंडर टॉपिक नंबर 15 इट मेंशंस अबाउट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड देन इट मेंशंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। अब बताइए
transparency and accountability, which are considered to be the features of good governance or bad governance. Good governance. तो इस पूरे सिलेबस का नाम आप कर लीजिए गुड गवर्नेंस. इसलिए दिस टॉपिक नंबर 15 इज बेसिकली फोकसिंग ऑन गुड गवर्नेंस. आपका जो और यहां भी देखिए सिलेबस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई जस्ट रीड फॉर द क्लास. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. उसके बाद क्या दिया? ई गवर्नेंस. तब कहता सिटीजन चार्टर. क्लियर? देन इट अगेन मेंशंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. और तब क्या कहता है? एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स. सिलेबस सिर्फ मेंशन करता है ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर. देन इट मेंशंस अबाउट अदर मेजर्स. अदर मेजर्स का मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे लोकपाल पे, यू कैन नॉट से इट इज आउटसाइड सिलेबस. अगर क्वेश्चन पूछ दे राइट टू इंफॉर्मेशन पे, यू कांट से इट इज आउट ऑफ द सिलेबस. अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, पूछ भी दिया गया, इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस. 90% जो क्वेश्चन का टॉपिक होता है सब्जेक्ट एरिया, इट लुक्स टू बी आउटसाइड द सिलेबस, बट इट इज वेल विद इन द सिलेबस. इसलिए खास करके ये सब जो वर्ड है जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं, उस पर अधिक एम्फसाइज कीजिएगा. What is clear? और तब टॉपिक नंबर 16 जो है, इट कंसर्न अबाउट रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. यहां पे क्या कीजिएगा कि नॉर्मली वी अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डेमोक्रेसी कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी इकोनॉमिक आपका. एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज थ्री डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स, बट ऑल दीज थ्री डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड. आप इसीलिए पहले क्लासिफाई कर लीजिएगा कि डेमोक्रेसी कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक. व्हाट कैन बी द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. और खास करके ध्यान रखिएगा कि दिस डेज गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या? टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. एंड फॉर दिस द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द सिविल सर्वेंट्स आपका, बिकॉज द पॉलिटिकल सिस्टम दे कैन डिफाइन द पब्लिक एस्पिरेशंस, बट हु इज सपोज टू ट्रांसलेट द पब्लिक एस्पिरेशंस इन टू रियालिटी? इट इज डन बाय द सिविल सर्वेंट्स आपका. और प्लस सिलेबस मेंशंस अबाउट रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. आप दोनों पॉइंट पढ़िएगा, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. वंस डेमोक्रेसी गेट्स स्ट्रेंथेंड, तो ऑटोमेटिकली इट इज बेनिफिशियल फॉर द सिविल सर्विसेज. अगर इफ डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव मोर एफिशिएंट सिविल सर्वेंट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सिविल सर्वेंट, इट इज बिकॉज ऑफ मोर डेवलप्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी आपका. एंड देयरफॉर सिविल सर्वेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. एंड वंस डेमोक्रेसी गेट्स स्ट्रेंथन, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर द सिविल सर्विसेज आपका. तो सिलेबस इज वन वे, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड टू वे आपका. तो सिविल सर्विसेज विथ रेस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी विथ रेस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज आपका. एंड प्लस the next four topics 17, 18, 19, 20, these are basically concerned about international relations आपका जो है. ठीक है? So that is the essence of these topics which are mentioned in the syllabus आपका. और दो काम अच्छे से कर लीजिए, refer to the topics, try to understand the intricacies of the syllabus, and then refer to the previous year question papers आपका. उससे आपको पता चलेगा what kind of trend we are supposed to develop once we have to deal with the subject in a proper manner. Yes, please. Separation? ठीक है, separation of power का मतलब होता है कि powers have been divided with respect to three organs of the government. जैसे separation of power was given Montesquieu. तो Montesquieu ने किसकी बात की थी? लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी. और ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द केस ऑफ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी? इन मोनार्की देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर, एवरीथिंग इज सपोज टू बी डन बाय द किंग. वही लॉ बनाएगा, वही लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, वही लॉ ब्रेकर को पनिश करेगा.
इसलिए डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज वंस वी हैव डेमोक्रेसी तो देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ द पावर अदरवाइज वंस वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर विथ रेस्पेक्ट टू एनी वन बॉडी तो सिस्टम विल टेंड टू बिकम मोनार्की आपका तो सेपरेशन ऑफ द पावर इज कंसर्न अबाउट डिवाइडिंग द पावर एवं थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपका एंड डिविजन ऑफ द पावर इज कंसर्न अबाउट डिवाइडिंग द पावर विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और यू कैन से वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट विच फंक्शन अंडर द फेडरल सिस्टम आपका इसलिए टॉपिक नंबर टू जो आपका इट इज कंसर्न अबाउट डिविजन ऑफ पावर एंड टॉपिक नंबर थ्री डील्स विद द सेपरेशन ऑफ पावर जो इंटर स्टेट सब आएगा टॉपिक नंबर टू में और थ्री में क्या होगा पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशियरी नहीं जैसे गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी आपका दे विल कम अंडर सेपरेशन जैसे बेसिक स्ट्रक्चर किसमें आएगा डिविजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ पावर जो ठीक है तो ये सब कुछ टॉपिक एंट्री के सीज है ठीक है चलिए कुछ सिलेबस को लेके मोड ऑफ प्रिपरेशन को लेके कुछ अगर क्वेरी है तो बताइए आर यू गेटिंग सम क्लैरिटी नाउ ठीक है जैसे कि उसमें क्या है कि प्रोविजंस जैसे वंस बी से सिग्निफिकेंट तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन वी कैन नॉट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बिकॉज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी प्रोविजन इज इक्वली सिग्निफिकेंट जब सिलेबस कहता सिग्निफिकेंट इट मीन्स प्रोविजंस विच आर मोर इन द न्यूज रिसेंटली दे बिकम सिग्निफिकेंट फॉर अस बिकॉज हियर द वर्ड सिग्निफिकेंट इज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आपका और दूसरा चीज इफ यू रेफर टू अदर टॉपिक्स इन द सिलेबस देन ऑल्सो वी आर सपोज टू मेक रेफरेंस टू सम ऑफ द प्रोविजन जैसे व्हेन डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट रेफर टू जुडिशियरी तो वी आर सपोज टू रेफर टू सम प्रोविजन तो दोज प्रोविजन कैन बी कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट आपका सोशल फिर से बताइए सोशल सोशल मीडिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते मीडिया ने करे बिल्कुल कह सकते बिल्कुल कह सकते बिल्कुल फिफ्टीन में क्या बताइए व्हाट इज द प्रॉब्लम विच वन एंड अदर मेजर्स में जैसे लोकपाल देन यू कैन रेफर टू राइट टू इंफॉर्मेशन विसिल बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट यू कैन रेफर टू सोशल ऑडिट दे विल कम अंडर अदर मेजर सब थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज एज पर द मोड ऑफ फॉर्मेशन बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे जब कहते हैं बॉडीज कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैन बी स्टैट्यूटरी बॉडीज कैन बी नॉनेज दैट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन Bodies can be classified on the basis of the nature of the functions. Nahin, isliye classification is not only based on one parameter aapka. Classification can be done with respect to different parameters aapka. Sir, classification of spheres, for example, those spheres which are holding so responsible as center, center sponsored scheme. Dekhiye, do hi tarah ka hota hai. Central sponsored scheme and central sector scheme aapka. तो स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी इट कैन बी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और देयर कैन बी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट अदर में मतलब जैसे आप ये मान के चलिए कि अल्टीमेटली अंडर द सिलेबस वी आर सपोज टू रेफर टू ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सम विच आर मेंशन इन द सिलेबस एंड सम विच आर नॉट मेंशन इसलिए सिलेबस का पॉइंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वेरियस का मतलब क्या है दोज विच हैव बीन मेंशन इन द सिलेबस एंड विच हैव नॉट बीन मेंशन वी आर सपोज टू टेक इन टू कंसिडरेशन बोथ द टाइप्स ऑफ बॉडीज आप करें कैग है आपका उसका पूरा कंप्लीट उसका जो है कंप्लीट उसका जो है ऑफ आरपीए जो इट इज कंसर्न्ड बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया आपका जैसे इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट इलेक्शंस टू द स्टेट लेजर्स दीज आर गवर्न्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आपका एंड राइट नाउ वी हैव
two act of RPA, act of 1950, act of 1951 after. Sir, Amendment 7874. Because it's already under topic number 2, it mentions about local level sarkar. Jab local government aap padhenge, we are supposed to refer to 73rd and 74th after. Aur plus ek cooperative societies bhi hai. To usko kahan pe padhna hoga? When it mentions about other, so other mein it will come under other associations after. Isliye better hota hai ki never prepare topics on the basis of topic. Usko hamesha issue based padhiye. क्योंकि इश्यू बेस्ड पढ़ने से क्या होता है, यू आर वेरी नियर टू द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चन. आप जैसे मान लीजिए एक आप पढ़ते हैं कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन व्हाई टू प्रिपेयर इन दिस मैनर. लेकिन यूपीएससी पूछ सकता है व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन हाउ द प्रेसिडेंट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. पढ़ना वही चीज है लेकिन उसका ओरिएंटेशन चेंज कर जाए. एक होता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप डायरेक्टली पढ़ के जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है. अब कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है कि प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट इवन देन द प्रेसिडेंट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जस्टिफाई. तो अगर इश्यू बेस्ड आप पढ़ते हैं तो ऑलरेडी यू आर नियर टू द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चन. अब जैसे मान लीजिए अब कोई बच्चा पढ़े पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, को बच्चा पढ़े प्राइम मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, को बच्चा कर ले प्राइम मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. तो उसमें जितना आप क्वेश्चंस के नजदीक रहेंगे, यू कैनॉट बी वंस यू रेफर टू द टॉपिक्स डायरेक्टली आप कहें. इसलिए टॉपिक को पढ़ के देखिए व्हाट कैन बी वेरियस इश्यूज, उस इश्यूज को प्रिपेयर कीजिए, बट नेचुरल यू आर वेरी नियर टू द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. आप SCST माइनॉरिटी विमेंस के लिए बेस्ट होता है इंडिया ईयरबुक आपके पास होगा. नहीं उसमें ध्यान रखिए बिल्कुल बड़ाई में पहले रीड कर लीजिए, देयर इज वन टॉपिक वेलफेयर इंडिया ईयरबुक, उससे पढ़ लीजिए और प्लस तीन चार मिनिस्ट्री के वेबसाइट को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तीन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ नहीं होम करनी चाहिए, बस ये तीन मिनिस्ट्री आप देख लीजिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, दैट विल सर्व द पर्पस. इज देयर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वंस इट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल तो बट नेचुरल इट पावर्स आर मोर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन नॉट बी इजली सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन. जब मॉडिफिकेशन करना होगा तो गवर्नमेंट विल हैव टू गो फॉर अमेंडमेंट आपका, अमेंडमेंट बिकम्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन पार्लियामेंट आपका. चलिए तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ सिलेबस आपका जो है. ठीक है Which one? पहले क्या कीजिए कि वॉट एवर इश्यूज यू कैन विजुलाइज यू प्रिपेयर ऑल द इश्यूज, अभी से मत सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जो होगा, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, दोज इश्यूज ऑन विच वी आर सपोज टू पे अटेंशन आपका जो, तो पहले क्या कीजिए प्रिपेयर ऑल द इश्यूज. ठीक है ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट विच वन इज लेस इम्पोर्टेंट आपको. अगर अभी से इम्पोर्टेंट पे चलेंगे तो दिक्कत होगी. चलिए थोड़ा पब्लिक एड के लिए जो लोग हैं थोड़ा हम बात कर लेंगे आप लोगों से. ठीक है बाकी लोग अपना ऑफिस से पता करते. चलिए ऑल द बेस्ट है.